दीज आर माई नेचुरल नेल्स आप देख सकते हैं कि मेरे नेचुरल नाखूनों में काफी खूबसूरत सी शाइन है जी नहीं मेरे हाथों में कोई प्रोडक्ट नहीं है कोई ऑयल नहीं है कुछ भी नहीं मैंने सुबह नहाते हुए अपने हाथों को मॉइस्चराइज किया था एंड दैट सॉल आप देख सकते हैं मेरे क्यूटिकल्स काफी हेल्दी है मेरा नेल बेड काफी पिंकिश कलर का है और मेरे जो फ्री नेल है आगे ये सभी वाइट कलर के हैं दे आर एप्सल्यूटली नीट क्लीन एंड टाइडी साफ सुथरे नाखून आपके हाइजेनिक कंडीशंस को तो दर्शाते ही हैं लेकिन साथ ही साथ ये आपकी हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं वो कैसे अगर आपके नाखूनों में छोटे छोटे से सफेद निशान हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम या किसी और मिनरल की डेफिशिएंसी हो रखी है अगर आपके नाखून बहुत आसानी से टूट जाते हैं इसका मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी किसी न्यूट्रिशनल डेफिशियसी से जूझ रही है अगर आपके नाखून चौड़े हो रहे हैं और कर्व हो रहे हैं इसका क्लियर मीनिंग है कि आपके फेफड़ों में आपके लंग्स में कोई परेशानी हो रही है अगर आपके नाखून नॉर्मली नहीं लेकिन अचानक से डार्कर अपेयर हो रहे हैं इसका मतलब हो सकता है कि आपके स्किन से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू अपनप रहा है बॉडी में जिसके लिए आपको डॉक्टर को इमीडिएट दिखाना चाहिए तो आप समझे कि नाखूनों की हेल्थ आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है तो आइए जानते हैं कि इन नाखूनों का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं टू हैव द पिंकिश ग्लो फॉर योर नेल बैट लेट्स टॉक इट हेलो टू ऑल वंडरफुल पीपल वेलकम बैक टू चैनल आई होप आर डूइंग वंडरफुली ग्रेट अगर चैनल पर पहली बार आना हो रहा है तो मेरा नाम है प्रेरणा चैनल का नाम है प्रीति प्रेरणा एंड यहाँ पर मैं हफ्ते में तीन दिन बेहतरीन डी आई वाई लेकर आती हूँ जिन्हें यूज करके मेरा परिवार काफी खुश है तो अगर आप भी हमारी खुशियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान और बहुत ही मुफ्त है क्या नीचे जो लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है उसे आप क्लिक कर दीजिए उसके बगल में एक घंटी बनी हुई है उसे भी क्लिक कर दीजिए जी नहीं घंटी नहीं बजेगी लेकिन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि प्रीति प्रेरणा आ चुकी है कुछ कमाल का आपके लिए लेकर आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने के लिए आई हूं कि किन किन स्टेप से अपने घर के कंफर्ट में आप अपने नाखूनों का ख्याल रख सकते हैं और उन्हें एब्सोल्युटली क्लीन रख सकते हैं देखिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं लेकिन यहां पर मैं कुछ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग अपना यू नो थॉट प्रोसेस रखने के लिए आई हूं अगर आप कनेक्ट कर पाए और आपको लगा कि नहीं मैं सही बोल रही हूं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा अगर आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर हेल्दी नेल्स की परिभाषा पूछते हैं तो वो आपको छह एट्रीब्यूट्स बताएंगे सबसे पहला एट्रीब्यूट होगा कि हेल्दी नेल्स एब्सोल्युटली शाइनी होते हैं नंबर टू दे आर फ्लेक्सिबल यानी कि वो जल्दी से टूटते नहीं है नंबर थ्री उनका एक पिंक नेल बेड होता है उनका एक नेल प्लेट होता है इसके अंदर जो फ्री नेल होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं एंड द क्यूटिकल्स आर एब्सोल्युटली इंटैक्ट यानी कि जो क्यूटिकल्स हैं ये बंद होने चाहिए देखिए व्हेन गॉड मेड दिस बॉडी तो उन्होंने क्यूटिकल्स को सील कर दिया कि कोई भी बैक्टीरिया या इंफेक्शन अंदर ना जाए लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि पुश द क्यूटिकल उसको अच्छे से पुश कर दीजिए और यहां गैप बना दीजिए टू टेक ऑफ द डेड स्किन देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर आपके क्यूटिकल्स में कोई परेशानी है अगर आप गलत प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई है देन यू रिक्वायर टू ट्रिम दैट एरिया अदरवाइज ये कोई रिक्वेज नहीं है मोस्ट ऑफ द वीडियोज में मैंने ये देखा कि पुश द क्यूटिकल एक स्टेप बना दिया है इट्स नॉट रिक्वायर्ड गर्ल्स आप देख सकते हैं मेरे नेल्स काफी हेल्दी हैं और मैंने कभी क्यूटिकल्स को पुश नहीं किया नेवर हाँ कभी मान लीजिए अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गई है बॉडी में पानी कम पी रहे हैं आप अच्छे न्यूट्रिय नहीं ले रहे हैं तो कई बार यू you नो know, क्यूटिकल ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं दैट टू कैन बी फिक्सड लेकिन अगर आप पुश करने लग जाएंगे तो वहां पर उस पर्टिकुलर पार्ट पर जो आपका नेल है वो यू नो हैम्पर हो जाएगा एंड फिर उसको फिक्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये नॉर्मल स्किन नहीं होती है आपकी जो क्रिटिकल की सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपके नेल्स हेल्दी हैं तो जबरदस्ती पुश मत करिए ना ही वाली दीदी को करने दीजिए नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू हैव हेल्दी नेल्स डाइट हमेशा अंदर से ठीक नहीं है तो बाहर से जो मर्जी लगा लीजिए ठीक होगा ही नहीं डाइट में क्या होना चाहिए आपकी डाइट में बाइटिन होना चाहिए जी हाँ जो जिस मटेरियल से जिस प्रोटीन से आपके बाल बने हैं उसी से आपके नाखून भी बने हैं इसीलिए कैरेटिन जितना भी आपके बालों को चाहिए आपके नेल्स को भी चाहिए हाउ ये थोड़े से ज्यादा डेड होते हैं और इनको यू you नो know, रिवर्ट नहीं करते हैं इतनी आसानी से इसीलिए इसके लिए थोड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स हमें लेने पड़ते हैं दैट्स ऑल डाइट में आपको लेना है जिंक आपको लेना है बाइटिन आपको लेना है आयरन जिंक मैग्नीशियम अगर इन चीजों का आप अपनी बॉडी में ध्यान रखते हैं और ये कम नहीं होते हैं तो आपके नाखून आपको कभी परेशान करेंगे ही लेटर इन द वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी ब्रिटल नेल्स येलो नेल्स टूटने वाले नेल्स और भी बहुत सारे नेल्स सो स्टे ट्यून्ड अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे बेसिकली आपको अपने नाखूनों को क्लीन रखना चाहिए हम तो बर्तन धोते हैं हम तो कपड़े धोते हैं हम झाड़ू पोछा करते हैं हमारे नेल्स तो बहुत बुरे हैं देखिए ये जो मेरे नेल्स आप देख रहे हैं ये तब के हैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ किए फिर भी नेल्स का ख्याल रखा वो कैसे किया देखिए सबसे पहले तो अगर आपकी नीयत होनी चाहिए भैया नील्स अच्छे करने हैं तो आप उसकी अकॉर्डिंगली एफर्ट्स करेंगे आप ग्लव्स पहनेंगे यू नो वाइल वॉशिंग हावएर मैंने नहीं पहने थे मैं ऐसे ही वॉश करती थी एंड सेकेंडली आप जो जितने भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए थाटफुल रहिए कि यू नो एकदम से टूट टाट नहीं जाएँ थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ठीक रहेगा तो ये है मेरे हाथ बिफोर आई एक्चुअली स्टार्टेड द प्रोसेस लेट मी टेल एवरीबडी वेरी वेरी क्लियरली क्योंकि आपको ये वीडियो दिखानी थी इसलिए मैंने प्रॉपर यू नो बोल एंड ऑल दैट तामझाम किया है अदरवाइज मैं नहाने से पहले झटपटा के उसको बाथरूम में ही कर लेती हूं और कोई स्पेसिफिकली नहीं बैठती हूं लेकिन अगर आपके पास टाइम है आप इतमान से करना चाहते हैं तो आराम से जैसा बता रही हूं वैसा कीजिए एंड यू आर गोइंग टू हैव अमेजिंग रिजल्ट स्टेप नंबर वन के लिए नेल पेंट रिमूव कर दीजिए और जितनी भी एक्सेसरीज आपके हाथों में है उसको भी रिमूव कर दीजिए पोस्ट दैट आपको एक बोल लेना है इसमें आपको लेना है गुनगुना पानी आपको गर्म पानी नहीं लेना आपको ठंडा पानी नहीं लेना आपको ल्यूक ल्यूक्म वाटर लेना है और इसमें आप एक आधा नींबू अच्छे से निचोड़ दीजिए एक आधा नहीं आधा नींबू अच्छे से निचोड़ दीजिए और इसमें आपको लेना है शैम्पू मेरे पास थोड़ा सा एक बॉटल में बचा था उसमें मैंने पानी डाल के अच्छे से हिला के डाल दिया सो यू कैन एप्सिल्यूटली पुट इट एंड इसके बाद आप अपने नेल्स को डिप कर लीजिए अगर बड़ा बोल है तो पूरे हाथों को डिप कर लीजिए नो प्रॉब्लम नींबू क्या करता है आपके नाखूनों में जो पीलापन आ जाता है किसी भी वजह से उसको हटा देता है एसिड है इसीलिए किसी भी प्रकार का फंगल इंफेक्शन बैक्टीरियल इंफेक्शन उसको क्लीन कर देता है शैम्पू बहुत ही अच्छे से यू नो स्लिपरी होता है क्लीनिंग प्रॉपर्टीज हैं इस वजह से हर चीज को आप क्लीन कर देता है ऑल्सो शैम्पू डिहाइड्रेटिंग होता है बोला है हर बार आपको तो आपकी स्किन भी डिहाइड्रेट हो जाएगी ज्यादा देर के लिए नहीं रखना लेकिन अप्रोक्सिमेटली टेन मिनट्स के लिए आप अपने हाथों को इसमें अच्छे से सुखा कर रखेंगे और अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर लेंगे डन इसके बाद आप नींबू से ही अपने एक एक नेल को अच्छे से यू नो क्लीन कर लीजिए रीजन बीइंग किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट बिल्डअप अगर नाखूनों में रह जाएगा तो अल्टीमेटली वो हमें आगे जाकर परेशान करेगा सो so, अच्छे से वाइप ऑफ कर दीजिए कर लिया इसके बाद आप लोगों को एक टूथब्रश लेना है और टूथब्रश से क्लीन करना है ना दिस इज अज एंड मेजर थिंग दैट आई कैन टेल यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दैट इज एक अलग से टूथब्रश बना लीजिए अपने नाखूनों के लिए मेरा ऑलरेडी बना हुआ है मैं जब भी हाथ धोती हूँ मैं अपने नेल्स को भी क्लीन रखती हूं क्योंकि बड़े नाखून जर्म्स का भंडार हो जाते हैं इसीलिए आई हैव समथिंग इन माई ब्रेन तो मैं जितनी बार हाथ धोती हूँ मैं उतनी बार एक बार ब्रश से अपने नेल्स को क्लीन कर देती हूँ ताकि कोई डिपोजिशन अंदर के नाखूनों में ना रहे डन तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं ब्रश से अच्छे से साफ कर लेने के बाद आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए एक क्लीन टाल से अपने पूरे के पूरे हाथों को नाखूनों को अच्छे से वाइप कर लीजिए और आपके नाखून आपके हाथ काफी अच्छे से ब्रीथ करेंगे इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो साइड की स्किन थी वो काफी ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई थी क्योंकि शैम्पू इज अ डिहाइड्रेटर तो वो एप्सिल्यूट आपकी जो स्किन है उसको डिहाइड्रेट कर देगा लेकिन इट इज अ गुड थिंग क्योंकि आपको दिख रहा है आपकी स्किन कहां कहां पर काफी ज्यादा यू नो डेड हो चुकी है आप उसको ट्रिम कर सकते हैं यू आप आप कैन क्लीन इट अब देख सकते हैं कि मेरे क्यूटिकल्स काफी ज्यादा आगे आ गए हैं तो मैं इसको हल्का सा वुडन ब्रश एक वुडन क्यूटिकल आता है उससे हल्का हल्का पुश कर रही हूं मी पुशिंग का मतलब यहां पर गैप क्रिएट करना बिल्कुल नहीं है पुशिंग का मतलब इज जस्ट यू नो हल्का सा मैं तो वुडन क्यूटिकल आपको दिखा रही हूँ बिकॉज इट्स सेफ क्योंकि कोई आप अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते मैं क्योंकि रेगुलरली करती हूँ मैं अपने हाथों से ही कर देती हूँ मैं इस नाखून से इसका क्यूटिकल फिक्स कर सकती हूँ इसका इससे तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ मैंने एक हाथ का वुडन स्टिक uh, से किया है और दूसरे हाथ का अपने हाथों से ही यू you नो know, क्यूटिकल फिक्स कर दिया है तो प्रैक्टिस लगेगी एकदम से मत शुरू करना ये ऑलमोस्ट यू नो तलवारें ही होती हैं लड़ाई देखा ना भाई बहनों की कैसे करते हैं सो प्लीज़ इसको हल्का हल्का पुश करना होता है एंड दैट्स ऑल गैप क्रिएट नहीं करना गॉट इट नाउ क्यूटिकल्स को हमने वाइबली फिक्स कर दिया है डेड स्किन को हमने रिमूव कर दिया है हमारे हाथ काफी ज्यादा हेल्दी दिखेंगे काफी अच्छे दिखेंगे लेकिन थोड़े और बेहतर दिखें इसके लिए आप पेट्रोलियम जली लेंगे जो पेट्रोलियम जली आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं मेरे पास ये वाली थी तो मैंने पेट्रोलियम जली अपने नाखूनों पर लगाई अच्छे से मसाज किया रोज रोज नहीं करना ये महीने में एक बार इज लाइक सफिशियंट अच्छे से मसाज करना है अपने नेल्स को एंड देन लेट इट भी पूरे हाथ को कर लो इतनी क्या कंजूसी है ना नेल्स को करो हाथों को करो योक कॉल एंड उसके बाद आप इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर देंगे और रहने देंगे हो गए आपके हाथ इतने ज्यादा सॉफ्ट कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये आपके ही हाथ हैं जो अभी थोड़ी देर पहले इतने कर्कश थे एकदम परफेक्ट आपके हैंड्स हो जाएंगे आपके नेल्स इतने हेल्दी हो जाएंगे या देखिए And and ियम जली नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्वियसली ऑयल है तो स्टिकी होगा लेकिन काम वही करेगा सॉफ्टन कर देगा आपके हाथों को और काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा ऑल्सो बहुत सारे लोग इंटरजेक्ट करेंगे कि मॉइस्चराइज करने से पहले हमको फाइल कर लेना चाहिए नाखूनों को लेकिन बिलीव मी आप एक बार करके देखिए कि आप पहले मॉइस्चराइज कर लीजिए इसको सेटल होने दीजिए वाइप ऑफ कर लीजिए और फिर नेल्स को फाइल करिए मेहनत भी बहुत कम लगेगी और बहुत आसानी से आपके नेल्स एग्जैक्ट शेप में आ जाएंगे जो आपको चाहिए मेरे नाखूनों को ज्यादा फाइलिंग की आवश्यकता नहीं थी इसलिए मैंने हल्का हल्का जस्ट यू you नो know, Uh, थोड़ा सा बफ किया है एंड दैट्स ऑल ऑल्सो अगर आपके नेल्स बहुत ब्रिटल हैं बहुत जल्दी से टूट जाते हैं तो आप फाइलर की जगह बफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बफर काफी स्मूदली काम करता है स्किन को भी बफ कर देता है और नेल को भी और नेल काफी हेल्दी हो जाते हैं अब आपके नाखून एब्सोल्युटली क्लीन हो चुके हैं हेल्दी हो चुके हैं मॉइस्चराइज हो चुके हैं और काफी खूबसूरत दिख रहे हैं हैविंग डन ऑल द प्रोसेस इसके बाद आपको जो नेल पेंट पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय योर ब्यूटिफुल नेल्स ग्रेजुअली आप देखेंगे जिस चीज पर आप ध्यान देंगे ना ऑब्वियसली वो आपको रिवर्ट करेगा इसीलिए ध्यान से जब आप ये सारे एक्टिविटीज करते हैं तो आपके नेल्स काफी हेल्दी हो जाएंगे काफी हैप्पी हो जाएंगे एंड ऑल्सो आप काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे इन सभी प्रोसेसिस के लिए पहली बार शायद थोड़ा सा टीडियस लगे थोड़ा सा लगे कि भाई इतना सब कुछ क्यों करना है बट ग्रेजुअली वेन यू विल सी की नहीं डिफरेंस दिख रहा है क्लीन हैंड्स लग रहे हैं एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट तो आप इसको कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे आई एम श्योर मैंने आपको बताया हेल्दी नेल्स आपकी हाइजेनिक कंडीशंस और आपकी हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करता है इसीलिए इंटरनल बॉडी का बहुत सारा ख्याल रखना है विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक मैग्नीशियम आयरन मैंने बताया ये सभी चीजें आपको लेनी है सो प्लीज स्टफ योर सेल्फ विद गुड थिंग्स एंड एक्सटर्नल बॉडी तो ऑब्वियसली विल अबाइड बाय इट अब बात करते हैं उन लोगों के नाखूनों के बारे में जिनको एडिशनल परेशानी है अगर आपके नाखून आसानी से टूट जाते हैं कईयों के तो पेपर की तरह फट जाते हैं अगर आप उस श्रेणी को बिलोंग करते हैं तो इन सभी प्रोसेस के बाद आप लहसुन लेंगे जी हां लहसन गार्लिक इसको कूट लेंगे एक ही कली बहुत है कूट लीजिए और इसका जो रस आएगा वो आप अपने सारे के सारे नाखूनों पर अच्छे से लगा लीजिए रस हमें लगाना है और रहने दीजिए ठीक है जब वो रस सूख जाए तो आप अपना हैंड वॉश कर लीजिए नेल भी जल्दी ग्रो होंगे और जो ब्रिटलनेस है वो भी क्योर होती रहेगी तो ये काफी अच्छा उपाय है पर थोड़ा सा स्मेली है अगर आपके नाखूनों में किसी भी प्रकार का डिसकलरेशन है पीले ऑरेंज किसी भी तरह के दिखते हैं तो आप लोगों को लेमन जो होता है नींबू इसको अच्छे से रगड़ना चाहिए क्योंकि नींबू का रस एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि डिसकलरेशन को फिक्स कर देता है ना सिर्फ नाखून अगर हाथों पे है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके बाद मॉइस्चराइज करना मत भूलिएगा क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन एंड नाखून भी तो मॉइस्चराइज जरूर कीजिएगा अगर आपके नाखून बहुत ज्यादा टफ हैं और डल अपेयर होते हैं तो आप अपने नेल्स को ऑलिव ऑयल में डिप कर सकते हैं जी हाँ ज्यादा नहीं पांच से दस मिनट और उसके बाद अच्छे से मसाज कर सकते हैं जैसे बाल लहरा जाते हैं वैसे नाखून भी नहीं लहराएंगे नहीं सॉफ्टन हो जाएंगे जो टफ रहते हैं बहुत ज्यादा वो नहीं होगा और काफी स्मूथ और अच्छे आपको अपेयर होंगे कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस वो क्या होगा देखिए मैं अपने नाखूनों को रेगुलरली काटती हूं आप देख सकते हैं मेरे नाखूनों की कोई भी साइकिल मतलब ऐसा नहीं होता कि महीनों महीनों मेरे नाखून लंबे हैं कभी भी नहीं मैं इनको लंबा करूंगी लाइक सर्टन हाइट तक मैं रखती हूँ इतना ही इतना थोड़ा और बढ़ाऊंगी दैट्स ऑल सो इट्स वेरी हेल्दी अभी मैं इसको थोड़े टाइम इन्जॉय करूंगी नेल पेंट्स लगाऊंगी आई डू एवरीथिंग एंड देन आई कट दैन सिंपल पूरा ऐसा नहीं कि कट देन मैं पूरा यहाँ नेल बेड को फ्री होने दूंगी जो फ्री पोर्शन है ये जो वाइट पोर्शन है मैं ये पूरा कट कर दूंगी एंड इट्स हेल्दी फॉर योर नेल इट्स वेरी वेरी हेल्दी आई सो विश किसी ने मुझे स्कूल में ये बात बताई होती तो मेरे नाखून और बेहतर होते लेकिन मैं हूं आप लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूं कि नाखूनों को बहुत लंबे समय तक लंबा नहीं रखते जितना लेंथ अपना नॉर्मल है काम कर सकते हैं जितनी लेंथ में उतना अचीव कीजिए थोड़ी देर इंजॉय कीजिए उसके बाद कट योर नेल्स फिर दोबारा से ग्रो कीजिए एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू बी सो माय ब्यूटीफुल पीपल समझ में आया कि नेल्स से हेल्थ चेकअप कैसे किया जा सकता है टू ऑल द ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज ऑफ माय फैमिली आशा करती हूं आपको समझ में आ चुका है कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है टू हैव द बेस्ट नीट टाइडी क्लीन एंड हाइजेनिकली ब्यूटिफुल नेल्स फॉर योर सेल्फ मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्यूटिफुल टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ और आशा कर रही हूँ कि मेरा प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा है अगर आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपके जो भी फीडबैक हैं जो भी थाट प्रोसेस हैं रिगार्डिंग मी माई कॉन्टेंट माई चैनल फील फ्री टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन आई लव टू रीड योर कॉमेंट्स थैंक यू सो वेरी मच फॉर बींगर आई लव यू ऑल एल सी ऑल इन द नेक्स्ट वन तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए. टेक केयर